नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में। आज मंडी के अंदर हम गेहूं की जो आवक है उसके बारे में जानकारी करने के लिए मंडी के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया जी के पास में मौजूद है। आज हम उनसे जानेंगे कि मंडी के अंदर कितनी गेहूं की आवक है और क्या भाव गेहूं के अंदर चल रहे हैं। पहले गेहूं की जो आवक थी वो कम से कम मंडी में 5 से 7 हजार कट्टे की थी, लेकिन अब आवक मात्र 2 से 2.5 हजार कट्टे की आवक रह गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो किसान है वो ये चाहता है कि उनको भाव जो है अच्छा मिले, इसलिए वो अभी गेहूं को रोक रोक कर मंडी में पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी हैं। सबसे पहले तो सर आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। इस समय मंडी के अंदर कितनी आवक है, क्या भाव है? अलवर कृषि उपज मंडी में 2 से 2.5 हजार कट्टे प्रतिदिन आ रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले आधे आमद है। और मैं समझता हूँ कि हालांकि किसान को पिछले साल के मुकाबले 100 रुपया 150 रुपया ऊंचा मिल रहा है, उसके बावजूद भी किसान एवं गांव का व्यापारी को ये लगता है कि इस वर्ष गेहूं के भाव अच्छे 2600-2700 रुपये कम से कम जाएंगे। क्योंकि एक माहौल देश में ऐसा बन गया है कि केंद्र के पास पूल में भी स्टॉक कम है, एवं अन्य जिनसों को देखते हुए गेहूं के भाव वास्तव में किसान के हिसाब से कम है। चूंकि हालांकि केंद्र सरकार ये चाहती है किसान को उच्च से उच्च भाव मिले एवं आम उपभोक्ता को कम से कम रेट पर मिले, कम भावों में मिले, और इसलिए केंद्र सरकार इसे रियायती दरों पर राशन के द्वारा फ्री गरीब जनता को तो राहत पहुंचाती है एवं आम जनता को इस वर्ष ऊंचा भाव मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी मंडी के अंदर अगर अपन बात करें तो पहले की तुलना में और अब की तुलना में कितना असर आवक पर देखा गया है? पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष जो है मंडी में आवक आधी है। और भाव की अगर बात करें तो भाव पिछले साल के मुकाबले 100 से 150 रुपए ऊंचा है, और वर्तमान में भी राजस्थान सरकार ने बोनस के द्वारा 2400 रुपया गेहूं खरीद कर रही है, तो उस लेवल के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले 100 से 150 रुपया उनका राशन में भी, वो समर्थन मूल्य में भी ऊंचा है। अभी मंडी के अंदर गेहूं का मारा है, इसका बड़ा सबसे कारण क्या मानते हैं? उसका मुख्य कारण किसान इस गेहूं को इतना जल्दी से नहीं छोड़ना चाहता, अपने हाथों में रखना चाहता है, और वो समझता है कि अभी इसमें 200-300 रुपए कम से कम और तेज होगा। अभी कोई स्टॉक की अगर बात करें तो कोई स्टॉक भी हो रहा है कि गेहूं के नहीं हो पा रहा है? गेहूं का स्टॉक सबने बहुत कम मात्रा में किया है, क्योंकि इस बार केंद्र और राज्य सरकार इस पर महंगाई के लेकर निगरानी की हुई है, इसलिए जैसे हर हफ्ता गेहूं का स्टॉक का हमें स्टॉक ईमेल पर देना होता है, क्योंकि जिससे सरकार को पता पड़े कि देश में कितना गेहूं स्टॉक में जा रहा है। तरह तरह की पाबंदियां केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाएगी, ऐसी आशंका है। तो अभी आप सरकार से किस तरह की अपील करते हैं कि किस तरह के भाव रहने चाहिए, क्या है आगामी दिनों में? इस सरकार के हिसाब से जो गेहूं के भाव हैं वर्तमान में स्टैंडर्ड भाव है, और यही भाव अगर ये चलते रहे तो आम उपभोक्ता के लिए भी कोई परेशानी का कारण नहीं है, और किसान को अपना पिछले साल के मुकाबले ठीक पैसा मिल जाएगा। अभी किसान को कितना नुकसान है, क्या है? क्या किसान को कोई नुकसान नहीं इस बार? अच्छा, गेहूं में अच्छा उसका उत्पादन भी हुआ है, भाव भी पिछले साल के मुकाबले अच्छा, तो भाव सही मिल रहा है किसान को? किसान को मेरी नजर में भाव अच्छा मिला। अभी अगर आप उपभोक्ता की बात करें तो आने वाले समय में उपभोक्ता को पिछले साल के मुकाबले 100-150 रुपए ऊंचा मिल रहा है, पर अन्य जिनसों की महंगाई को देखते हुए गेहूं के भाव बड़े समांतर भाव चल रहे हैं। अभी क्वालिटी की अगर आप बात करें तो किस तरह की क्वालिटी इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छी है, और ये आम जनता के लिए राहत का कारण है। और ग्रेडिंग वाले जो गेहूं आ रहे हैं, ग्रेडिंग भी अच्छा, जैसा बढ़िया गेहूं होगा उस ग्रेडिंग तो उसी की होगी ना, इसलिए अच्छा गेहूं इस बार उपलब्ध है। हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी सुरेश जलालपुरिया जी मौजूद थे, उन्होंने हमको गेहूं के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब की बार जो गेहूं है वो मात्र 2 से 2.5 हजार रुपए, 2 से 2.5 हजार कट्टे जो है वो कम आ रहे हैं, क्योंकि पहले 3 से 4 हजार बोरिया गेहूं की आवक थी मंडी के अंदर, लेकिन अभी किसान कम लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। नितिन शर्मा, अलवर।